हिमाचल के हाई प्रोफाइल मंत्री के गांव का हाल, सड़क नहीं खतरनाक रास्तों पर पैदल चलते लोग, ट्रॉली से आता जाता सामान, हर वक्त हादसा होने का खतरा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से सटा एक गांव आज भी ऐसा है जहां अभी तक सड़क नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में अणुशील गांव के लोगों को नजदीकी शहरी क्षेत्र सुन्नी तक पहुंचने के लिए भी एक घंटे का पैदल सफर करना पड़ता है। यही नहीं, ग्रामीणों को अपने घरों तक कोई भी सामान लाने व ले जाने के लिए स्पेन ट्रॉली का सहारा लेना पड़ता है। तारों पर झूलती इस व्यवस्था के जरिए ही लोग अपने कृषि उत्पाद मंडी तक ले जा पाते हैं। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि गांव अणुशील गांव शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में आता है। इस हलके से मौजूदा समय में पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह दूसरी बार विधायक बने हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री रहे। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह भी यहीं से जीत कर विधानसभा पहुँचते रहे। बावजूद इसके गाँव से सड़क सुविधा न पहुँच पाना अपने आप में बड़ा सवाल है। अणुशील गांव के लिए स्पेन ट्रॉली में ही सामान आता है। बीच में अगर सामान नीचे गिर जाए तो यह बर्बाद हो जाता है। लोग इसमें सफर करने से भी डरते हैं क्योंकि स्पेन ट्रॉली की तार काफी कमजोर है, इसके टूटने का खतरा रहता है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।